No story is worth putting your life at risk. is an advice generally given out to journalists. But there are a number of brave journalists who take who gutsily take the pride of reporting from war zones and other conflict areas. And it is a matter of pride that there is a young brood of women journalists who break the male bastions in the field. While mainstream media journalists continue to focus on breaking news and sensationalism. Here we have with us today Jayanti Burudu, a young reporter who reports from highly sensitive and remote areas of Malkangiri. Ma'am, can you tell us your experiences in this field and the challenges you've been facing in your area, this conflict area? No, ma'am. Can you describe the problems you've faced, the challenges you've faced in reporting from your area? Thank you. हाँ उस्मानी यूनिवर्सिटी और हमारे एन डब्ल्यू एम आई को थैंक यू कहूँगी पहले कि मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिए यहाँ आने का मौका मिला और मीडिया के ऊपर बहुत कुछ और फील्ड एक्सपीरियंस हुआ इतने सारे बड़े बड़े जर्नलिस्ट से मिली और बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा तो मेरे बारे में यही बोलना चाहूँगी मैं जयंती बुरुदा मैं मलकानगिरी उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ एक कोया ट्राइब से बिलोंग करती हूँ तो मैं फर्स्ट लेडी कोया ट्राइब्स जर्नलिस्ट हूँ मेरे जिले की तो ये रास्ता तो बहुत मुश्किल ही था इतना आसान नहीं था क्योंकि बचपन मेरा गांव में ही बिताई हूँ जैसे कि एक फार, फार्म फार्म फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो बचपन में खेती बाड़ी जंगल में जाना लकड़ियाँ लाना ऐसे ये सारे चीज़ें करते थे उसके बाद भी अब में कुछ अलग करने का हमेशा ही बचपन से सोचता लेकिन फिर गांव में पढ़ाई खत्म करने के बाद शहर में आई वहां पे ग्रेजुएशन कंप्लीट की उसके बाद उसके साथ में सोशल वर्क में भी जुड़ी थी कि बच्चों के लिए कुछ स्लम बच्चों को पढ़ाती थी हेल्थ के ऊपर मेडिकल में जाके भी कुछ काम करती थी ऐसे ही मीडिया के बारे में तो जानी थी लेकिन मीडिया में आने का मकसद यही था कि मेरे सोशल वर्क में ये मुझे सहायता करेगी इसलिए मैंने मीडिया में ज्वाइन की तो Uh, दो साल मुझे बाहर रह के सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोरापुर में मैं मेरा जर्नलिज्म मास कॉम का uh, पी जी कम्प्लीट की और घर में मना भी किए थे कोर्स करने के लिए घर से बाहर जाके मुझे रहना पड़ा कुछ फ्रेंड्स के सहयोग सहयोग से मैं अपना फ़ीस देने के लिए भी पैसा नहीं था घर में मना कर दिए तो फ्रेंड्स ने मुझे हेल्प किए मेरा टोटली जॉइनिंग फीस रहने के लिए घर अपने एक रिलेटिव्स के यहाँ बोल के मुझे पढ़ दो साल रुकने के लिए दिए उसके बाद भी हमारा इंटेंसिव रहता है बाहर में हाँ जैसे कि हमारे स्टेट के जो कैपिटल है वहाँ पे जाना पड़ता है वहाँ तक 800 किलोमीटर है मेरे गांव से वो और वहाँ पे किसी को जान पहचान नहीं होने से रहना बहुत मुश्किल था फिर भी हाँ गॉड ब्लेसिंग है कहूँगी किसी एक अच्छे इंटर्नशिप जहाँ पे कि उन उस सर ने मुझे उनके घर पर रहने के लिए दिए जगह दिए उनके घर पर रह के मैं उनके स्टूडियो में ही काम की आ, फिर उसी दौरान एक साल में डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में काम की और प्रैक्टिकली मैं खुद कैमरा के हैंडलिंग करते हैं रिपोर्टिंग के लिए जाती थी तो स्टूडियोज़ के बारे में भी कुछ नॉलेज मिला नहीं तो बुक में ही पढ़ी थी स्टूडियो का तो हमारे यूनिवर्सिटी में कोई प्रैक्टिकली कुछ भी नॉलेज नहीं था तो Uh, फिर वहाँ उनके सहयोग से हम लोग uh, मैं बहुत जगह घूमी गु, में जैसे छत्तीसगढ़ में कभी गई नहीं थी वहाँ पे भी शूटिंग के लिए हम लोग डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में गई थी बहुत सारे अच्छे uh, जो कैमरा पर्सनस रिपोर्टर्स से भी मिलने का मौका मिला तो इसी तरह प्रैक्टिकल नॉलेज में उनकी वजह से सीख पाए और फिर मैंने जो कलिंगा टी वी उड़ीसा का एक टी वी चैनल है उसमें मुझे वो लोग ऑफ़र किए कि आप एक ट्राइवल लड़की हो हम लोग ट्राइवल्स के ऊपर काम करते हैं आप हमारे लिए ज्वाइन कीजिए तो मैं वो न्यूली लॉन्च एक टी वी चैनल था वहीं पर ज्वाइन की फिर मुझे डेस्क में काम करने का इतना पसंद नहीं था क्योंकि मैं अपने ज़िले के लिए काम करना चाहती थी क्योंकि मैं पहली जर्नलिस्ट हूँ और मेरे ज़िले को मैं अपने गांव की कुछ समस्याओं को अगर मैं लोगों के सामने ला सकूँ मुझे अच्छी बातें ला सकूँ तो मुझे प्राउड फील होगा कि मैंने कुछ पढ़ाई की जो मेरे जिले के लिए मैं कुछ कर पाऊँगी तो वही सोच लें कि मैं डेक्स में सिक्स मंथ काम करने के बाद मैं गांव चली गई अब वहीं पे अभी काम कर रही हूँ तो इसी फील्ड में भी प्रॉब्लम्स तो लगे रहता है क्योंकि पहली लड़की और मेल डोमिनेटेड एरिया है लोगों का माइंड भी इतना नहीं है कि एक लड़की फील्ड में कैसे काम करेगी वो लोग आज करेगी छोड़ देगी ऐसे बहुत कमेंट्स करते हैं तो वहाँ जाती है ऐसे आती है तो लेकिन फैमिली सपोर्ट है मेरे पापा या फ्रेंड सर्कल के वजह से मैं जो भी करती हूँ कॉन्फिडेंट है है तो कुछ किसी का बातों को मैं दिमाग में नहीं लेती तो करना है मुझे क्योंकि एक मैसेज जाएगा मुझसे जो लड़कियां हैं वो भी सोचेंगे हम लोग भी इस प्रोफेशन में आएंगे कुछ करेंगे बोल के इसीलिए प्रोफेशन को चूज़ की और सोचती हूँ कि हाँ और भी आना चाहिए लड़कियां क्योंकि हम हमारे सोच के आए हम छोटे जगह से हैं हम लोग नहीं कर सकते हैं ऐसा नहीं है अगर मेरे अंदर कॉन्फिडेंट है चाहे है तो ज़रूर शायद हम कर पाएंगे इसी वजह से जिस तरह से मैं आज यहाँ आने का मौका मिला कि और कुछ सीखने का मौका मिला तो वही बहुत बड़ी चीज़ है कि मैं आगे जाके कुछ कर पाऊँगी तो थैंक यू मैम आप अभी रिपोर्टिंग करते हैं ना ग्राउंड से चैलेंजेस क्या है रहते हैं ज़रूर देखिए हम जो हेड क्वार्टर में रहते हैं उसके बाद फील्ड एरिया में मलकानगिरी से हर कोई इलाका 60, 70, 80 किलोमीटर दूर रहता है वो रास्ता भी नहीं है कम्युनिकेशन का कुछ भी प्रॉब्लम बहुत प्रॉब्लम है और अब माउस्ट एरिया है तो लोग भी कुछ एरिया में जाते भी नहीं है तो वहीं उस एरिया में अकेले जाना रुकना भी पड़ता है बहुत सारे पहाड़ इलाका है जहाँ पर हम लोग को अठारह किलोमीटर पहाड़ चढ़ के जाना पड़ता है कुछ एरिया में जहाँ पर लोग रहते हैं उनके मिलना लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम रहता है मेरे लिए पॉजिटिव यही है ये कि मैं उसी ट्राइब से बिलोंग करती हूँ तो हर कहीं कोने में मैं जा सकती हूँ तो ईजिली वो लोग मुझे कम्युनिकेट करते हैं तो वो ईज़ी रहता है आपको ये केसेस डील करने में पुलिस से कौन सा थ्रेट रहता है या क्या बोलते पुलिस या घर वाले वो सब नहीं करना है आपको यू नो प्रॉब्लम होगा ऐसा कुछ आपके ज़रूर हमारे एरिया जिस वजह के सेंसिटिव प्लेसेस हैं तो लोगों का पुलिस वालों से एक डर का रिश्ता है जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि पुलिस हमारे लिए अच्छा है वो लोग हमारे प्रोटेक्ट करते हैं लेकिन वहाँ का अलग ही इरादा देखने को मिलता है कि लोग डरते हैं थाने में जाते हैं तो पुलिस वाले हम लोगों को परेशानी करते हैं मास्क की वजह से आप लोग उनसे मिले हो वैसे इश्यूज़ तो बहुत रहता है तो इस वजह से वो लोग दूर ही भागते हैं तो हम लोग वो भी एक्जैक्ट डाटा मिलता नहीं है किसी के बारे में जब भी वो लोग देते हैं वही को फाइनल कर लेते हैं हम लोग क्योंकि लोग उनके बारे में बोलेंगे नहीं कि वो डर के नहीं पुलिस वाले हैं कुछ बोलेंगे तो प्रॉब्लम्स होगा ऐसा रहता है आप दो बच्चे के पूरा यू you नो know, देखभाल कर रहे हैं आप वो प्रैक्टिकल है समझते क्योंकि बहुत लोग हैं बहुत बच्चे हैं तो कैन यू टेक केयर ऑफ ऑल अदर चिल्ड्रेन आप दो हैं तो अभी उसका देखभाल कर रहे हैं आ, मैंने तो कभी करने में काउंट नहीं किया तो अभी एक इशू था मैं रिपोर्टिंग करने के लिए गई थी एक पिताजी ने उसके माँ को मार दिए और दो बच्चे भी इंजोर्ड थे तो मैं वो रिपोर्टिंग की लेकिन वो बच्चों को नहीं देखी थी तो वो रिपोर्टिंग करके डेड बॉडी को लेके सारे हो गए मैं न्यूज़ भी भेज दी लेकिन शाम को मुझे कोई एक फ़ोन करके बोला कि दो बच्चे वहीं पे हैं उसका डेड बॉडी वहीं पे गिरा हुआ है अब तक कोई गाड़ी भी नहीं है उस डेड बॉडी को लेने को मुझे बहुत बुरा लगा फिर मैं दौड़ के गई तो उन बच्चों को देखी वो मेडिकल के अंदर है तो मैं दो बच्चों को ले गई जब डिस्चार्ज हो गए तो मेरे साथ ही रखी क्योंकि उनके फैमिली में और कोई नहीं था तो वो दो बच्चे तो है मेरे साथ उनका पढ़ाई उनके साथ दो भाई अभी उनका तो एक हॉस्टल में अभी रखी हूँ तो ऐसे नहीं कि दोनों के लिए करना है सबके लिए करना चाहिए ऐसे बहुत मेरे घर में तो ऐसे सात आठ और भी बच्चे हैं जिनके ऐसे ही रिपोर्टिंग की थी एक लड़की का बचपन में उसका पैर जल गया था तो उसका एक पैर नहीं है एक पैर में बहुत चलती है तो उसके ऊपर रिपोर्टिंग करने के बाद पता चला उनके पेरेंट्स भी उसे सपोर्ट नहीं करते और इससे में उसका रिपोर्टिंग करने के बाद हेल्थ मिनिस्टर जैसे हमारे स्टेट के वो उसके टोटली ये हेल्थ रिकवरी के लिए वो लोग पैसा देने के लिए राज़ी हो गए लेकिन उसके बाद कौन उसके साथ रहेगा गांव में तो कोई उसको पूछता नहीं वो लड़की भी मेरे साथ है वो प्लस टू में सेकेंड ईयर पढ़ रही है तो मेरे साथ ही रहती है उसका एक ऑपरेशन भी हो गया और दूसरा ऑपरेशन बाकी है तो वो ऑपरेशन करेगी और ऐसे भी कुछ लड़कियां हैं कुछ एरिया में हैं जो पढ़ाई के प्रॉब्लम आने से मैं अपने घर में रखी हूँ वो लोग कैसे हायर एजुकेशन कर पाएंगे। पाएँगे अच्छा कहाँ से लाते हैं उनके लिए हाँ मेरे फ्रेंड्स लोग हेल्प बहुत करते हैं ज़्यादा कुछ लगता नहीं सी पता नहीं हम लोग औरों के लिए करेंगे तो ऑटोमेटिक भगवान शायद कहाँ से पता नहीं आ ही जाता है ऐसे ही मैं देखी हूँ जब भी किसी के लिए कुछ काम करने निकलती हूँ तो नहीं का प्रॉब्लम कभी नहीं होता कॉलेजेस में देखिए मेरे टीचर्स लोग मेरे ही हैं तो मैं उन्हें बोल के बोलती हूँ कोई सीट हो तो सर एक ऐसी लड़की है उसके लिए आप कर दो तो वहीं पर ऐसे हो जाता है मैम आपका वन ईयर एक्सपीरियंस है मीडिया फील्ड में तो आपका बहुत बुरा असाइनमेंट जो था आपने करे अभी तक तो कैरियर के बारे में तो बोलूँगी मेरे लाइफ में सबसे मेरा इम्पोर्टेंट पर्सन जो थे कि मेरा आदर्श जो बोलूँगी मुझे आगे आने के लिए जो सपोर्ट करते थे मेरे माँ थी उन्हें मैं लॉस्ट की तो वो मेरे साथ नहीं है तो वही मेरा लाइफ का सबसे बड़ा बैक पॉइंट था क्योंकि हर चीज़ में आज मैं आगे आ पाई हूँ तो मेरे माँ की वजह से वो हर बार मुझे बोलते थे तुम ये करो हो जाएगा तुम कर सकती हो क्योंकि वो खुद एजुकेटेड नहीं थे लेकिन वो पहली लड़की औरत होंगी जो हमारे ट्राइब में हमें पढ़ाती थी शाम को बैठ के नहीं पढ़ाई करने से खाने को भी नहीं देते थे नौ बजे तक कंपलसरी पढ़ना है हर किसी को पापा को टाइम नहीं देता था लेकिन माँ के वजह से हम सारे पढ़ाई किए मैं भी आगे आ सके उनके वजह से इसी तरह की कॉलेज में भी जब मैं पीजी एडमिशन की उसी टाइम में जब एक फॉर्म भरने के लिए दिए उसमें माँ का नाम लिखना था मैं लिखी नहीं तो मेरे जो प्रोफेसर थे वो मुझे बोले क्यों नहीं लिखे तो पेपर मेरे मुंह में फेंक दिए किस वजह से गुस्सा थे तो मुझे बार बार पूछे क्यों नहीं लिखे थर्टी स्टूडेंट्स वहीं पे बैठे थे बाहर अदर स्टेट से आए थे मैं पहली दिन क्योंकि प्रॉब्लम था घर में मना किया था पढ़ाई करने के लिए तो खुद स्ट्रगल करके गई थी दोस्त लोग फिर से एडमिशन करने के लिए सुबह से खाई नहीं थी तो इससे बहुत प्रॉब्लम हुआ उस दिन को मैं भूल भी नहीं सकती क्यों फिर बोले क्यों नहीं लिखे तो मैं बोल नहीं पाई आँख से आँसू आ गया कि मैम मेरे माँ नहीं है इसलिए नहीं लिखी तो कहाँ कहाँ उन्हें नहीं भी बोला कहाँ कहाँ से आ जाते हैं जर्नलिस्ट बनने <laughs> तो बहुत बुरा लगा था उस दिन लेकिन उसी दिन को सोचती हूँ तो शायद उनका वो कमेंट ही मुझे आगे लाया वो बहुत हेल्प किए फिर मेरे लाइफ में साइलेंटली वो फेस में नहीं आते थे वो मैम मुझे हर बार वो बहुत डिफ़िकल्ट फेस करवाने को कॉलेज में पी जी लेवल में बहुत फेसेस की वो लोग मुझे स्टैक्स भी ऐसे देते थे एक करो वो करो जो काम कोई नहीं करते थे वो मुझे करने के लिए वो इंटरेस्ट देते थे तो जो भी हूँ शायद उन्हीं के उसी कमेंट के वजह से आज हूँ तो एज ए रिपोर्टर बोल पा रही हूँ खुद का एक जर्नलिस्ट बोल पा रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए कि मेरे गांव से जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ एक मैसेज है उन लड़कियों के लिए कोई अभी तक नहीं जानते कि रिपोर्टिंग क्या है जर्नलिस्ट क्या है लड़कियाँ इसमें क्या कर सकती हैं तो मैं उन लोगों की थैंक यू बोलेंगू जो भी है मुझे आ, मेरे आगे आने के लिए सपोर्ट किए कि यहाँ तक आने के लिए इतना है आपका कम्युनिटी में रेस्पॉन्स कैसा रहता कैसा रहता अभी आप मीडिया में हैं आप वर्क करते हैं उनके लिए आप कैसा रेस्पॉन्स करते हैं आपके लिए बहुत अच्छा है वो बहुत अच्छा फील करते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है लेकिन एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे मेरे कम्युनिटी का कोई भी नहीं है तो एक बहुत मेन स्ट्रीम है जहाँ पे कंपेट करना एक लड़की हमारी कास्ट की लड़की उन लोगों के साथ खड़ी होकर काम कर रही है जहाँ पे कि ज़्यादातर के बड़े बड़े लोग हैं जिन्हें वो लोग बहुत रीनाउंड पर्सन समझते हैं एक मीडिया में के मतलब एम हमारे ट्राइब की लड़की उनके साथ खड़ी हो रही है किसी ऑफिसर के साथ बात कर रही है किसी का इंटरव्यू ले रही है वो लोग बहुत खुश फील करते हैं जब भी कोई रिपोर्टर जाते हैं उनको भी बोलते हैं हमारी लड़की है आपकी रिपोर्टर वो लोग आके मुझे बोलते हैं जयंती आपको तो हर कोई जानते हैं हर किसी गाँव में बोलते हैं हमारी लड़की है तो बहुत अच्छा लगता है कोई अपने वो हमें खुद का समझ के मुझे रिप्रेजेंट करते हैं आप आपके कम्युनिटी के लिए अब अब तक क्या करे है जो अब अभी चेंज है आपके कम्युनिटी में कुछ है वैसा आप कुछ चेंज करें आपकी कम्युनिटी के लिए मैं तो यही कहूँगी मैं हायर एजुकेशन करके जो जर्नलिस्ट बनी हूँ या जो भी मेरे कम्युनिटी के जो भी कुछ बने हैं तो हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए क्योंकि मेरे कम्युनिटी से लोग आज तक एजुकेटेड हो नहीं पा रहे हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिस वजह से आज तक मेन स्ट्रीम में आ नहीं पा रहे हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं तो हमें मैं भी वही सोचती हूँ कि मैं अगर यहाँ तक आ चुकी हूँ तो मेरा मेन फोकस वही चीज़ पे रहना चाहिए कि मेरे लोगों को मैं किस तरह से आगे लाऊ उनके एजुकेशन में हो प्रॉब्लम्स क्या हो रही है गवर्नमेंट से भी बात करके या हम लोग पर्सनली कुछ कैसे कर सकते हैं या इशूज़ भी है जब मीडिया में आने के बाद वो वारे चीज़ों को हम लोग गवर्नमेंट के पास ला सकते हैं तो इस ये सारे प्रोजेक्ट बना भी सकते हैं कि हमारे लोगों के लिए ये चीज़ आप करोगे तो वो लोग मेन स्ट्रीम में आ सकेंगे ऐसा सोची हूँ और करते भी हूँ हम कुछ कुछ ट्राइबल्स एरियो में जाते हैं हमारे जो लोगों का जो इशूज़ रहते हैं हम लोग गवर्नमेंट के साथ बात भी करते हैं हेल्थ ईशूज़ हो या एजुकेशन में बच्चों को कहीं हॉस्टल में किस तरह का एजुकेशन देना चाहिए या जो स्किल्स डेवलपमेंट जो होता है किस तरह से देने देने से वो लोग आगे जाके कंपीट कर सकते हैं मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं ऐसे करते हैं अगर आप जर्नलिस्ट नहीं बने तो क्या बनते थे जर्नलिस्ट तो पहले से दिमाग में नहीं था फिर भी आ, एक सोशल वर्क करना चाहती थी आ, मैं बचपन से ही सोचती हूँ लाइफ क्या है सब कुछ मिला बचपन से लेकिन मेरे मैं मेनली मेरे पापा माँ से इंस्पायर्ड हुई थी वो स्टार्ट मैं बचपन से देखती थी वो औरों के लिए काम करते थे मेरी माँ कोई रास्ते में जा रहा होता भूखा होता है तो उसे ला के खिला के कुछ कपड़ा वपड़े दे के भेजती है मेरे पापा भी पढ़ाई तक हम लोगों का फ़ीस नहीं देते थे, थे मैं ट्यूशन खुद का करके पढ़ती थी लेकिन मेरे पापा बाहर के बच्चों को ला के घर में रख के उनके खाने पीने का लेके उनका फ़ीस पापा देते थे, थे तो इससे बड़ा सेक्रीफाइस और क्या हो सकता है जब मैं बड़ी हुई तो अच्छा ऐसा हम लोग कभी कर नहीं पाएंगे तो उसी चीज़ हम लोग औरों के लिए कुछ करना चाहिए खुद को हमें इतना मिला है लोगों को तो कुछ भी नहीं है तो हमें औरों के लिए करना चाहिए वही सोच है तो सोशल वर्क ही करती जो जो फीलिंग्स आता है किसी के लिए करने के लिए करने के बाद वो बहुत बड़ी चीज़ है लगता है थैंक यू